रेडियो का आविष्कार किसने किया था क्या आप जानते हैं? जी हाँ, वही रेडियो जो आपके और हमारे घरों में बजता है, मोबाइल कार में बजता है। आज हम आपको इसी रेडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका आविष्कार किसने और कब किया। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर ठोके, ये मैंडेटरी है। रेडियो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रिक्वेंसी होती है जिसे एक यंत्र से भेजा जाता है जो कि एक एंटीना से होते हुए सैटेलाइट और फिर अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचता है। रेडियो का आविष्कार इटालियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गुलियेल्मो मार्कोनी ने किया था और साल 1900 में पहली बार रेडियो संदेश भेजा था। 24 दिसंबर 1906 में दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था जिसे अटलांटिक महासागर में जहाज पर बैठे लोगों को सुनाया गया। साल 1918 में द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिया। कुछ भारतीय लेखकों का मानना है कि रेडियो का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु ने किया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। मद्रास रेडियो क्लब ने 1924 में भारत में रेडियो की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने 1932 में मूल रूप से भारत में रेडियो सेवा की शुरुआत की और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे हिंदुस्तान का मनोरंजन किया गया। इस तरह भारत में टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, अगर रेडियो पर हमारी छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।